वानखेड़े का मैदान होगा, सामने रोहित वर्सेस कोहली होगा। आज जो जीतेगा वो पहुंच जाएगा टॉप फोर की लिस्ट में, या फिर हो सकता है मुंबई इंडियंस और हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसका निर्णय मैच के बाद। थोड़ी देर पहले टॉस भी हुआ और टॉस जीता फैफ डु प्लेसी ने। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया विराट कोहली। 9000 रन करने वाले आईपीएल में एकमात्र बल्लेबाज, साथ में उनके फैफ डु प्लेसी जो कि ये जोड़ी जो है काफी शानदार चली है इस आईपीएल के अंदर, और फैफ डु प्लेसी के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। जोफ्रा आर्चर 96 मैचेस में 120 विकेट्स हैं इनकी T20 में। धीमी गति की गेंद और रूम बना के जड़ दिया चौका। फ्री हिट का पूरा लाभ उठाया और एकेडमी क्रैकिंग सिक्स। ओवर कवर्स, वन बाउंस, चौका। दो वाइड गेंदे, ये एक एक्स्ट्रा गेंद थी, उसपे मिला चौका। इस बार डाउन द ग्राउंड तेज, ये था शॉट, ये और एक कमाल का शॉट। बहुत बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से, बैक टू बैक चौके। शानदार बैटिंग चलती हुई इन दोनों बल्लेबाजी की, और ये देखिए ये शॉट, और ये भी मैक्सिमम है विराट कोहली, और इस शॉट के साथ 50 प्लस पार्टनरशिप भी, 27 का विराट कोहली का योगदान और 26 का फैफ का। और इस बार ये भागे नहीं है, इस गेंद को उड़ाया है, इस गेंद को भी भूलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भूल जाइए, ये नहीं आएगी वापस। ये बेहतर गेंद जरूर थी लेकिन शॉट उससे दो रन दूर अपने अर्धशतक से, और उसमें 6 रन ऐड कीजिए हो जाएंगे 54। 17 गेंदे 54 रन, फैफ डु प्लेसी, ये सेंसेशनल डु प्लेसी, 17 गेंदे 54 रन, 7 छक्के 2 चौके। इस बार ओवर पॉइंट, अरे वाह, अरे पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी। कदमों का इस्तेमाल किया है लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, स्क्वेयर के ऊपर से जड़ दिया चौका। बहुत शानदार, बहुत शानदार, उधर 3 फील्डर थे उनके बीच में से ही चौका मिलेगा। ये गेंद ऊपर तो बहुत गई है और बहुत दूर भी गई है, और इसी के साथ 50 रन विराट कोहली के, 27 गेंदे 52 रन, 5 छक्के 3 चौके। ये देखिए एक और बड़ा शॉट, ये और ये चैलेंज, वो विकेट अलर्ट मेरे हिसाब से। ये गेंद बस ऊपर गई है, ज़्यादा दूर नहीं गई है। विराट कोहली नीचे, और कौन आएगा नीचे, फील्डर आएंगे नीचे, बाहर जाएंगे विराट कोहली। 58 रन की बेहतरीन पारी, विकेट अलर्ट सही साबित हुई है। विकेट अलर्ट दी थी तो उसमें खड़े उतरे पीसी, दिलाई सफलता। दिनेश कार्तिक 5,470 रन T20 करियर के इनके। और पैरों पे तो बिल्कुल भी नहीं, गेंद ये भी हवा में है और ये भी 6 है। What a shot, on the rise। इस बार उड़ता हुआ शॉट है, कवर्स के ऊपर से मार दिया है चौका। अब वो 50 गेंदों का खेल होता है जिसके अंदर आपने बना दिए हैं 160 रन बनाने होंगे 161 मुंबई इंडियंस को 2 अंक के लिए। सामने होंगे ईशान किशन, होंगे रोहित शर्मा, मजा आएगा। मुंबई के दो सलामी बल्लेबाज ईशान किशन अच्छे ले में हैं, लेकिन पिछले मैच में उनका बल्ला खास चला नहीं, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा कप्तान मुंबई इंडियंस के और आईपीएल में तीसरे हाईएस्ट रन गेटर। मोहम्मद सिराज का ये सीजन बहुत अच्छा गया है, 59 मैचेस में 67 विकेट, इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी की है। पहली गेंद और अच्छे टप्पे से की है शुरुआत यहाँ पर। बिल्कुल आगे की तरफ, लेकिन इस बार तैयार थे रोहित शर्मा।
फील्डिंग खराब, रोकना चाहिए। एक और फुल टॉस गेंद और एक और चौका, रन चल रहे हैं और सिर्फ रन चल रहे हैं। एक बार ये शॉट खेला तो है पर गया। स्लॉग स्वीप, स्काई गेंद को स्काई में भेजते हुए, हसरंगा सामने, ये गेंद बहुत ऊपर गई है, क्या बहुत दूर भी गई है, कोसों दूर गई है, छह के लिए गई है। बनिंदु हसरंगा पूरी तरीके से, कैप्टन हावी 50 की पार्टनर से भी पूरी, रोहित शर्मा 37 रन, विराट कोहली समझाते हुए हसरंगा को कैसे गेंद डालनी है, किधर को गेंद डालनी है। रोहित शर्मा पूरी तरीके से हावी इस समय बनिंदु हसरंगा पर, इन प्रेशर, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के अंदर ये प्रेशर रिलीज, बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज, ये अच्छी गेंद, इस लाइन पे आप गेंद डाल सकते हैं रोहित को। और उधर बहुत पीछे से गिरी थोड़ी गेंद, हो सकता था कैच। अद्भुत, अविश्वसनीय, पिक, इसको कहते हैं अनुभव का इस्तेमाल करना, क्रीज की गहराई। इस बारी नहीं चूकेंगे, लो फुल टॉस, आखिरी गेंद को। हवा में थी गेंद और थोड़ा सा गिरी गैप में, सुपर फास्ट, ये आउटफील्ड है, शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे थे, इस बार पीछे फील्डर था जरूर, पर वन बाउंस चौका। हसरंगा आखिरी गेंद, आज मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अपना भाग्य जो है लिखा कर आए हैं खुद, और 49 पर थे, ये विकेट जो है ये आना चाहिए था जिस गेंद पर, वहां पर हुआ है एक अर्धशतक पूरा। रोहित द कैप्टन, कैप्टन चल पड़ा है सीना तान, कप्तानी पाली रोहित शर्मा से, तेज गेंदों में 51 रन, 4 छक्के, 4 चौके, रोहित शर्मा द मैन। बेहतरीन शॉट, मोहम्मद सिराज, इस बारी 36 पर खेल रहे थे, हवा में गई गेंद और सेफ हैंड्स में गेंद, ईशान किशन, किशन खेलना चाह रहे थे मैच विनिंग इनिंग, लेकिन यहां पर की है पारी समाप्त। मोहम्मद सिराज कभी विकेटलेस जाते ही नहीं है, इस बार सामने की तरफ यॉर्कर गेंद ने फंसाया, उधर विकेट गवाया। सूर्य कुमार यादव इसका आया है अब बल्लेबाजी के लिए, अगली गेंद करने का इस्तेमाल करके, इनसाइड आउट, स्पॉट स्कोपिक किया, चल पड़ी, डायरेक्ट हिट वहां पे, अद्भुत फील्डिंग, ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, किस तरीके से अपनी उपस्थिति वहां पे महसूस कराते हुए गेंद को पकड़ा, हवा में रिलीज किया और सही ठिकाने पे गेंद। जी आप कह रहे थे एक विकेट गिरा, दूसरा आ गया, कप्तान की पारी समाप्त, कप्तान आउट हुए, रोहित शर्मा 59 रन बनाकर 28 गेंदों के अंदर अच्छा खेल रहे थे, और उधर अच्छा थ्रो भी आया मैक्सवेल का। तिलक वर्मा, तिलक लगा के आते हैं, शर्मा जी गए, वर्मा जी आए, ये सामने की तरफ आउट करार दिए जाएंगे आखिरी गेंद पर, और दिए गए हैं। वो सोच रहे हैं रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि नेट रन रेट पर तो कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी घर लेकर तो जाना नहीं है रिव्यू। ये आखिरी गेंद पर रिव्यू लिया है, वैट का संपर्क हुआ नहीं है तो फिर 3 स्टंप के सामने ही पाए जाएंगे ना। ये चलिए इंपैक्ट इन लाइन है और पिचिंग इन लाइन है, वो तो विकेट सेटिंग होनी ही है, और विकेट सेटिंग आसानी से, ये सफलता मोहम्मद सिराज के लिए, और ये सफलता हो गई है मोहम्मद सिराज के नाम, 2 सफलता मोहम्मद सिराज के इस ओवर के अंदर, सॉरी इस मैच के अंदर, और ये आउट करा रहे इस प्रकार से। वो 159 बनाए थे और पूरे 56 रन से इस मुकाबले को जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पॉइंट्स टेबल में 4 पर, और ये अच्छा प्रदर्शन अच्छा करेगा, वो अच्छा खेलेगा, वो अच्छा जीतेगा, और अगर ऐसा करते रहे तो फाइनल्स में जाना पक्का। ई साला कप नम दे, इस प्रकार से फैफ डुप्लेसी ने बोला था ई साला कप नहीं, तो क्या सच में नहीं, बट आप लोग सच में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।